नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। बहुजन समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर फिर से रार शुरू हो गई है। बसपा ने गाजियाबाद से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर रवि गौतम का टिकट काट दिया है। वहीं तीन और सीटों पर जल्द ही टिकटों में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट है। कैंडिडेट बदले जाने पर बसपा पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिन सीटों पर टिकट बदले जाने की चर्चा, वो कौन सी सीटें हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की होड़ सबसे ज्यादा 2019 में थी, जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। 2019 के चुनाव के बाद बसपा के टिकटों की मांग गिर गई। वजह 2007 में अपने बलबूते सरकार बनाने वाली बसपा 2022 में सिर्फ एक सीट पा पाई। इसके अलावा गठबंधन करके लड़ने वाली छोटी पार्टियों को बसपा से कहीं ज्यादा सीटें हासिल हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी लंबे समय बाद उपचुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2010 में पार्टी उपचुनाव लड़ी थी, उसके बाद से कभी भी बसपा उपचुनाव में नहीं उतरी। हालांकि 2022 में अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया तो बसपा ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाकर उपचुनाव में प्रत्याशी न उतारने के मिथक को तोड़ दिया।